हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिज मोड को कैसे कनेक्शन करते हैं एक एम्पलीफायर में, और ब्रिज मोड क्या होता है और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एम्पलीफायर है, ये साउंड टनर का C18 का एम्पलीफायर है और यहाँ पर कुछ कनेक्शन वगैरह किया है, इसको आप मत देखिएगा, ये अलग सा कनेक्शन है। तो हम लोग आज जानेंगे कि ब्रिज मोड क्या होता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे नॉब वगैरह होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ऑपरेशन मोड लिखा हुआ होगा, यहाँ पर देखिए ऑपरेशन मोड, और यहाँ पर आपको ब्रिज, पैरेलल और स्टीरियो होता है। तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि पैरेलल क्या है, स्टीरियो क्या है, ब्रिज क्या है। तो आज हम लोग ये पैरेलल और स्टीरियो के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना के रखे हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिज मोड के बारे में। तो दोस्तों, एक्चुअली ब्रिज मोड होता क्या है? ब्रिज मोड में ऐसा होता है कि आपका जो टोटल पावर का आउटपुट होता है एक एम्पलीफायर में, दोनों चैनल में, मान लीजिए चैनल वन में 1000 आउटपुट और मान लीजिए चैनल टू पे 1000 आउटपुट होता है, तो आपका टोटल आउटपुट एक ही चैनल पे, दो चैनल एक ही चैनल पे मर्ज हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग ब्रिज मोड। दोस्तों, इसको कनेक्शन करने से पहले आप अपना एम्पलीफायर का वाटस जान लीजिए, और वाटस जानने के बाद आपको मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो स्पीकर बेस या फिर टॉप जो भी है आपको उस पावर को हैंडल कर पाए आसानी से, नहीं तो आपका स्पीकर खराब हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसको कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसको कनेक्शन करने के लिए आप पहले आपको यहाँ पर जो एम्पलीफायर है उसको ऑफ रख दीजिए, इसको पावर मत दीजिएगा। और सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे आपका ब्रिज, पैरेलल और स्टीरियो है, सबसे पहले इस स्विच को आपको ब्रिज मोड के मोड पर रखना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको आपको ब्रिज मोड पे ले जाना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैं ब्रिज मोड पे ले गया, इस स्विच को ब्रिज मोड पे लेने के बाद आपको मिक्सर से या फिर आपको क्रॉसओवर, जहाँ से भी आप आउटपुट ले रहे होंगे ना, वहाँ से आपको आउटपुट लेना है। और चैनल वन, यहाँ पर जैसे चैनल वन पे इनपुट दिया गया है, बस चैनल वन पे ही इनपुट देना है, चैनल टू पे इनपुट देना नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका कनेक्शन, ठीक है। चैनल वन पे ही आपको यहाँ पर एक ही इनपुट देना है, ठीक है। और एक ही इनपुट आपको यहाँ पर लेके आउटपुट भी एक ही आपको मिलेगा। आप यह चाहे तो यहाँ से भी आउटपुट ले सकते हैं और स्पीकर आउटपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट भी आप चैनल वन से ही लेंगे, ठीक है। अभी आपका ये कनेक्शन हो गया। बाकी आपका जो यहाँ पर ध्यान रखने का चीज़ है, ये आपको स्विच और एक चैनल वन पे कनेक्शन देना है। और दोस्तों, आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो स्पीकर है वो आपका इस पावर को, टोटल पावर को हैंडलिंग कर सके, बस इतना ही है ब्रिज मोड पे, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी हमारे पास इसका परफेक्ट मेज वाला स्पीकर नहीं है ब्रिज मोड पे चलाने के लिए, तो मैं अरेंज करके आपको यहाँ पर टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।